नेशनल रोड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत एक माह तक चलने वाले कार्यक्रम का आगाज जिला कांगड़ा मुख्यालय धर्मशाला में किया गया। एक माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ एडीसी कांगड़ा राहुल कुमार ने किया। इस दौरान एक माह तक विभिन्न उपमंडलों में यातायात जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यही नहीं, लोगों को यातायात नियमों की अनुपालना करने के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। एडीसी राहुल कुमार ने कहा कि नेशनल रोड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत जिला कांगड़ा में एक माह के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। 17 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर फोकस रहेगा। सभी को यातायात नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर चालान या जुर्माने से भी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, लेकिन दूसरी जागरूकता से भी इन चीजों को कम किया जा सकता है। सभी में हेलमेट डालने और सीट बेल्ट लगाने की आदत बन जाए तो दुर्घटनाओं और घायल होने वाले लोगों में कमी लाई जा सकती है। आज से हमारे जिला स्तर पे, वैसे पूरे हिमाचल स्तर पे वन मंथ का प्रॉपर एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने पहले तो आज बाइक रैली का से आगाज़ किया है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोगों तक अवेयरनेस कैंपेन करें, जिसमें मोस्टली हमारा जो मोटर व्हीकल से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रिड्यूस करना उद्देश्य है। इसमें जैसे हेलमेट पहनना, बाइक में अच्छे क्वालिटी का हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, ड्रंकन ड्राइविंग मतलब शराब पी के आप गाड़ी ना चलाए, अपने लेन में चलाए, डिपर दे, बेसिक जो बेसिक चीज़ें होती है उस पर हम एक अपने जो प्रशासन के माध्यम से लोगों तक एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। मेन एम हमारा ये है कि इससे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो सके। देखिए, ये जो हमारा जो अवेयरनेस कैंपेन है वही है कि जो आप मेन एम है कि नंबर ऑफ जो डेथ्स होते हैं एक्सीडेंट से या फिर इंजरी होता है उसको रिड्यूस किया जाए। और मान लीजिए ये केसेस देखे गए हैं कि अगर कोई बंदा एक्सीडेंट में हेलमेट पहना हुआ है तो उसकी हेड इंजरी नहीं होती है, अगर शोल्डर में इंजरी तो उसकी हम जान बचा सकते हैं। सिमिलर केस अगर कोई कार में एक्सीडेंट हो जाता है और सीट बेल्ट पहना हुआ है तो नंबर ऑफ केसेस पूरे दुनिया में, इंडिया में, दुनिया में देखा गया है कि फेटेलिटी रिड्यूस हो जाती है, मेजर इंजरी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर बंदा हेलमेट पहन रहा है या तो सीट बेल्ट पहना हुआ है तो इंजरी रिड्यूस हो जाएगी और नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ फैटेलिटी जो एक्सीडेंट्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। सिमिलर जो हम मैंने बताया कि लेन ड्राइविंग करना, डिपर देके चलाना, फास्ट स्पीड में कंट्रोल करना, इससे जो रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, खासकर जो बहुत सारे लोग हमारे जो फुटपाथ पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं या फिर रोड क्रॉस कर रहे हैं, उससे उनकी भी डेथ को रिड्यूस करना हमारा एम है। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कौन से लाइट लगा सकते हैं या फिर क्या क्या आप फॉलो कर सकते हैं, उसको स्ट्रिक्टली हम चेक करते हैं, चालान काटते हैं, फाइन लगाते हैं अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो। ये तो इससे भी एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको भी हमें रिड्यूस करना है। दैट इज, वो भी एक पार्ट है हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है, वो भी एक पार्ट है, उसको भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं।